असल तीनों ही बड़े नेता पीसीसी के लिए रवाना होंगे। पीसीसी के अंदर बैठक और उससे पहले मुमकिन की मीडिया ब्रीफिंग और बैठक के बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। तो मीडिया के साथ ब्रीफिंग की जा रही है कि आखिर ये जो बैठक की गई है, इस बैठक का एजेंडा क्या रहा। होटल रेडिसन के अंदर कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। बसपा के 5 विधायक यहां पर मौजूद, मैं संदीप यादव यहां पर नहीं पहुंचे। इसके अलावा 5ों विधायक होटल रेडिसन पहुंचे हैं। अविनाश पांडे ब्रीफ कर रहे हैं। ये बैठक पहले से स्केड्यूल नहीं थी, लेकिन फिर यह बैठक हुई और लंबी बैठक चली है, क्योंकि 4 बजे के करीब बैठक शुरू होनी थी पीसीसी के अंदर और वहां पर 3 अहम मुद्दों पर मंत्रणा होनी थी, लेकिन वहां पर बैठक अब लगभग माना जा सकता है कि 5 बजे के करीब शुरू होगी, क्योंकि यहां से पीसीसी पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। तमाम नेता और मंत्री पीसीसी पहुंच चुके हैं, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं होटल रेडिसन की। यहां से तीनों ही बड़े नेता पीसीसी के लिए रवाना होंगे। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अविनाश पांडे ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि बैठक ये खत्म हो चुकी है। बैठक के अंदर क्या कुछ खास, ये हम आपको बताएंगे। यहां से तीनों ही दिग्गज नेता पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे और पीसीसी दफ्तर पहुंचकर बैठक वहां पर ली जाएगी। आपको बता दें कि तमाम मंत्री और नेता पहुंच चुके हैं। बसपा के 5 विधायक जो होटल रेडिसन में मौजूद, 4 विधायक पहले से मौजूद थे और उसके अलावा दीपचंद खेरिया भी होटल रेडिसन पहुंचे। सिर्फ संदीप यादव को छोड़कर 5 विधायक यहां पर पहुंचे, जिन्होंने बसपा छोड़कर कांग्रेस में अपना समर्थन दिया था, कांग्रेस के अंदर सदस्यता ली। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो दरअसल रेडिसन की है और रेडिसन के अंदर ये बैठक खत्म हो गई। यहां से पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पहले से ही तमाम नेता पहुंच चुके हैं। मंत्री मास्टर भंवरलाल, रमेश मीणा, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, पुखराज पराशर, भंवर सिंह भाटी, ममता भूपेश पीसीसी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ज्योति खंडेलवाल, कृष्णा पूनिया, रूपाराम मेघवाल, ये भी पीसीसी पहुंच चुके हैं। इंतजार बस इस बात का कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे वहां पर पहुंचे, उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। 3 प्रमुख बिंदुओं पर यह बैठक रखी गई है। पहली बैठक मिशन 49 को किस तरीके से राजस्थान में पूरा किया जाए, चुनाव लड़ने के दौरान सत्ता और संगठन के बीच मजबूती से एक राय होकर इस चुनाव में उतरा जाए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वो दरअसल ये कि 5 नवंबर से कांग्रेस जो देश भर के अंदर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर होने वाली है, राजस्थान में किस तरीके के प्रोग्राम रखे जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर किस तरीके से प्रोग्राम किए जाएंगे, जिला स्तर पर किस तरीके के प्रोग्राम किए जाएंगे, 15 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलने हैं, इसकी रूपरेखा तैयार होगी। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि बसपा विधायक जिनको लेकर ये सवाल बीते कई दिनों से खड़ा हो रहा था कि बसपा विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए उनकी भूमिका संगठन में क्या रहेगी, सरकार में क्या रहेगी, मुमकिन कि यहां पर अविनाश पांडे से बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। और वैसे भी अविनाश पांडे को रिजल्ट ओरिएंटेड माना जाता है, माना जाता है कि वो जिस काम को अपने हाथों में लेते हैं उसको पूरा करते हैं, रिजल्ट देते हैं, और इसी वजह से कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी जाती है। फिलहाल महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिशन 49 को पूरा करना, 5 नवंबर से 15 नवंबर तक जो प्रोग्राम चलने हैं उनको मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर जनता के बीच पहुंचाना, और बसपा विधायकों की, वो बसपा विधायक जो कांग्रेस में शामिल हो गए उनकी भूमिका को सुनिश्चित करना संगठन के अंदर,
और सत्ता के अंदर। तो ये दरअसल कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर बैठक बुलाई गई है जयपुर के अंदर ही। आज अविनाश पांडे रहने वाले हैं, कल वो यहां से गुवाहाटी के लिए निकलेंगे।